तो दोस्तों, जैसा कि फरवरी का मंथ निकल चुका है और अब आ गया है मार्च का महीना, और ये दोनों जो महीना होता है दोस्तों, ये हमारे गुलाब के पौधे के लिए ग्रोइंग सीजन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपका गुलाब का पौधा अभी तक ग्रो होना स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, उसमें नई नई ब्रांचेज नहीं आ रही है, वो फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए दोस्तों कि आप कुछ तो ऐसा मिस्टेक कर रहे होंगे जिसके वजह से जो है वो आपका गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, गुलाब का पौधा में ढेर सारी फूलों को लेके। तो ढेर सारी फूल तभी आएंगी दोस्तों जब हमारे गुलाब के पौधे में इस तरह के नए नए ब्रांचेज आएंगे। जब नए नए ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी दोस्तों, तो जो है हमारा गुलाब का पौधा अच्छे से फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ नई नई ब्रांचेज आई हैं, तो किस तरह नई नई कलियाँ भी बन रही है। इस टॉपिक पर मैं पहले भी दो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसी टॉपिक पे मैं फिर आज और एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में भी आप सभी को बताऊंगी दोस्तों, जिससे जो है वो आपका गुलाब का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगेगा। और इस टाइम पे जब आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ करेगा दोस्तों, तभी जो है वो गर्मी के सीजन में अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर अभी अगर आप मिस्टेक कर लेते हो, अगर सब अच्छा से केयर नहीं करते हो, तो फिर जेन्युइन है कि गर्मी के सीजन पे जो है आपका गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं ही करेगा और वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, तभी जो है हम गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी दोस्तों कि आप अपने गुलाब के पौधे में मैक्सिमम ग्रोथ कैसे ले सकते हो और भर भर के फ्लावरिंग कैसे ले सकते हो। और ये जो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पत्तियां आ रही हैं कितनी चमकदार आ रही है, तो आप क्या इस तरह इस्तेमाल करोगे कि आपकी भी जो पत्तियाँ हैं वो कुछ इस तरह से पूरी चमकदार आएंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सभी को एक ऐसे होममेड फर्टिलाइजर के बारे में भी शेयर करूंगी दोस्तों, जिसका इस्तेमाल अगर आप फरवरी में नहीं किए हो तो अब मार्च में कर लोगे, तो आपका गुलाब का पौधा जो है वो इस तरह से चमकदार पत्तियां न लाएगा और पत्तियां जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगी। उसमें ब्रांचेस जो आएंगे वो भी पूरा हेल्दी हेल्दी आएंगे, तभी जो है उसमें इस तरह से बड़ी बड़ी कलियाँ बनेंगी और वो भर भर के फ्लावरिंग भी करेगा। तो जैसा कि आप लोग गार्डनिंग अगर करते होंगे तो सबसे पहला टिप्स आप लोगों को पता ही होगा, उसकी है प्रूनिंग। अगर हम अपने गुलाब के पत्ते की सही समय पे प्रूनिंग करते रहेंगे दोस्तों समय समय पे, तो जो है हमारा गुलाब का पत्ता इस तरह से नई ग्रोथ निकालते रहता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसकी प्रूनिंग की थी, तो देख सकते हैं यहाँ से कितनी सुंदर कितनी हेल्दी एक नई ब्रांच निकल के आई है। तो इस तरह आपको समय समय पे प्रूनिंग करते रहना होता है दोस्तों। तो अभी तक अगर आप प्रूनिंग नहीं किए हो, आपको तो प्रूनिंग फरवरी में ही कर लेना चाहिए, और लेकिन अभी तक भी अगर आप नहीं किए हो तो अभी ये सही टाइम है, आप अभी इसका प्रूनिंग कर सकते हो। मार्च तक आप इसका प्रूनिंग कर सकते हो, उसके बाद आपको प्रूनिंग नहीं करना है, नहीं तो जो है वो आपका गुलाब का पौधा सूखने लगेगा। तो आपको समय समय पर इसका प्रूनिंग करते रहना है दोस्तों, तभी जो है हमारा गुलाब का पौधा जो है वो नई नई ब्रांचेस लाता है और उसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। तो पहला पॉइंट तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो अभी तक अगर प्रूनिंग नहीं किए हैं तो जल्दी से प्रूनिंग कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ मैंने इसकी यहाँ प्रूनिंग की थी, तो यहाँ से देख सकते हैं कितने सुंदर एकदम नए नए यहाँ से ब्रांचेज आ रहे हैं। यहाँ पर की थी तो देख सकते हैं यहाँ से नई ब्रांच आ रही है। तो इस तरह अगर आप लोग प्रूनिंग कर लोगे दोस्तों, तभी जो है नई ब्रांच आएगी और इसमें जो है दोस्तों इसमें कली बनेगी। पुरानी ब्रांच में तो कली बनेगी नहीं दोस्तों, तो इसलिए आपको प्रूनिंग कर लेना है। और दूसरा क्या है दोस्तों, पहला जैसे कि आप लोग प्रूनिंग कर लिए हैं, तो दूसरा क्या है, पौधे में जितने भी नई पुरानी पुरानी पत्तियां हैं दोस्तों, जो भी पीली पड़ चुकी है, उनको क्या करना है, आपको हटा लेना है। पौधे में जितनी कम पत्तियां रहेंगी दोस्तों, तो पौधा क्या है, पौधा जो है वो मोटिवेट करेगा नई नई पत्तियाँ बनाने को लेकर। तो इस तरह से नई नई पत्तियाँ बनना शुरू हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि पौधा को जो है वो खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए पत्तियों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमारे पौधे में जब कम पत्तियाँ हो जाएंगी, तो पौधा ऑब्वियसली जो है वो इस तरह से नई ब्रांचेस निकालने में और नई नई पत्तियां बनाने में मोटिवेट करेगा, तो इस तरह से नई नई ब्रांचेस निकलने लगेगी। तो दूसरा काम आपको करना है कि जो जो पुरानी पत्तियां हैं जो पीली पड़ चुकी हैं, उनको आपको पौधे से हटा देना है। और तीसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, तीसरा काम आपको करना है कि आपने जो है गुलाब के पौधे की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करते रहना है। अगर आप समय 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 पर इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहोगे दोस्तों, तो जो है वो मिट्टी में एग्रेशन बना रहेगा और जो मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार बहुत ही अच्छे से होगा, तभी जो है वो हमारे रूट्स जो अच्छे से ग्रोथ करेंगे और हमारा पौधा भी बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा। जैसे देख सकते हैं मैं समय समय पर 10 से 15 दिन में अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहती हूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं मेरे पौधे का
हेल्थ कितना ही सुंदर है और कितना अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह आपको भी अपने मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है 10 से 15 दिन में एक बार। तो दोस्तों अगर आप ये तीनों काम कर लिए हैं तो अब बात करते हैं चौथे काम की। तो जिस अगर आप ये तीनों काम कर लोगे दोस्तों, प्रूनिंग कर लोगे, फर्टिलाइजर भी अच्छे से डाल दोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपका आपको नई नई ग्रोथ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। तब जो नई ग्रोथ दिखाई देने लगेगी दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उसे अभी के टाइम पे कम से कम 7 से 8 घंटा का धूप दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको धूप दिलाओगे तो फिर वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से कर पाएगा, तो वो नई नई ग्रोथ इस तरह से निकालने लगेगा, नई नई ब्रांचेस आने लगेगी और फिर हमारा पौधा नई नई फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। अगर आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तब भी जो होगा दोस्तों, आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और वो फ्लावरिंग भर भर के फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आप इस स्टेज पे क्या कर सकते हो दोस्तों, आप सीवीड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो दोस्तों, अगर आपको नहीं मिलता हो मार्केट में, तो आज मैं एक ऐसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर आप सभी को बताऊंगी दोस्तों, जो आप अपने किचन के यूज से ही बना सकते हो और वो सभी लोग बना सकते हैं आसानी से और अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको सीवीड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आप फर्टिलाइजर बनाते हैं। फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी जो दोस्तों चलिए देखते हैं, और ये बहुत ही आसानी से आप सभी को मिल भी जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, सूखे हुए प्याज का छिलका। तो सूखा हुआ प्याज का छिलका जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है मैग्नीशियम और सल्फर का। तो हमने इतना सा मैंने 3-4 प्याज के सूखे हुए छिलके ले लिए हैं। और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों, वो हमने लिया हुआ है केले के छिलका। केला का छिलका को हमने 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लिया है दोस्तों, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा चीज़ जो है दोस्तों, वो हमने लिया हुआ है 2 से 3 अंडे का छिलका, जो कि देख सकते हैं ये भी सूखा हुआ है। तो आप 2 से 3 अंडे का छिलका भी ले लें। और चौथा जो हमने लिया हुआ है, वो हम देख सकते हैं आप लोग, वो हमने लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो 1 चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर ले लेना है और अंडे का छिलका ले लेना है 2 से 3, और 3 से 4 केले का सूखा हुआ छिलका, और इतना सारा प्याज का भी सूखा हुआ छिलका आपको ले लेना है। कॉफ़ी पाउडर जो है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसका अगर इस्तेमाल आप एक बार अपने पौधे में करोगे तो आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी ही नहीं, और आपका पौधा जेन्युइन है जो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। तो हमें महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल अपने पौधे में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तभी जो है हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है, उसको नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हम लोग इसलिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर लिए हुए हैं। और हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अंडे की। तो अगर कुछ लोग हैं जो अंडे नहीं खाते हैं, अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो वो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। एकदम ज़रूरी नहीं है कि आप अंडे का छिलका भी डालें। आप इन तीनों चीज़ों से भी एक शक्तिशाली फर्टिलाइजर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे को। आप अंडे को स्किप कर सकते हैं। अंडा का छिलका जो होता है दोस्तों, इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, तो इसलिए हम लोग अंडा का छिलका का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पौधे में। लेकिन अगर आप अंडे का छिलका का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप लोग अंडा नहीं खाते हो, तो आप उसके जगह पे एक छोटे से चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसा कि दोस्तों इन चारों चीज़ों से जो मैं फर्टिलाइजर बनाऊँगी, वो मैं महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने पौधे में। लेकिन आप ये चौक को जो है वो आप लोग एक ही बार अपने पौधे में डाल सकते हो महीने में। इस चौक का इस्तेमाल आप एक ही बार कर सकते हो। तो आप अगर अंडा का छिलका नहीं डाल रहे हो, तो एक छोटा सा चौक का टुकड़ा भी इसमें उसको पाउडर फॉर्म में बना लेना है, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, अंडा को स्किप करके, और इस चौक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आगे आपको क्या करना है दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे ले ली हूँ, तो एक कंटेनर लेना है आपको। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है, और इन सारी चीज़ों को आपको उसमें डाल देना है। और इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें 0.5 लीटर पानी दे देना है आपको। अगर आप ज़्यादा पौधों के लिए बना रहे हो तो आप 1 लीटर भी दे सकते हो, लेकिन मैं कम पौधे के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें 0.5 लीटर पानी दूंगी, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं 0.5 लीटर पानी दे दी हूँ इस तरह से, और सबको इस तरह से डुबो देना है। और आपको इसको क्या करना है दोस्तों, 1 दिन के लिए छोड़ देना है, 24 आवर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो है दोस्तों, हमारा फर्टिलाइजर बन के अच्छे से तैयार हो जाएगा दूंगी दोस्तों। 1 दिन बाद जब आप देखोगे दोस्तों, तो आपका फर्टिलाइजर जो है वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हमें इसको क्या करना है दोस्तों, इसको हमें अच्छे से छान लेना है, एक छन्नी की सहायता से छान लेना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक छन्नी की सहायता से इसको कुछ इस तरह से छान लेंगे।
कुछ इस तरह से हम लोग इसको छान लेंगे दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हमें एक दिन और भिगो के छोड़ देना है पानी में। जैसे कि आधा लीटर पहले मैं डाली थी, तो फिर से आधा लीटर आपको डाल के छोड़ देना है और फिर कल आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो अब क्या करना है, आप हमें इसमें जितना बना है, जैसे कि आधा लीटर ये बना है, तो आधा लीटर में और डेढ़ गुना हमें पानी डाइल्यूट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक से डेढ़ लीटर इसमें पानी डाइल्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमने डेढ़ लीटर पानी डाइल्यूट कर लिया है। तो अब किस तरह से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बहुत ही शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने इस पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उससे पहले क्या करते हैं, अपने जो गमले की मिट्टी है उसकी हम लोग थोड़ी थोड़ी 1 से 2 इंच की गुड़ाई कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं गुड़ाई कर लूँगी दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। और ये जो है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बना है। इसमें जो है हमारे पौधे में किसी भी न्यूट्रिशन की अगर कमी है, तो ये सारे न्यूट्रिशन को पूरा कर देगा। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम की कमी को तो पूरा करेगा ही दोस्तों, अगर और भी कोई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी है इसमें, तो उसकी भी भरपाई ये कर देगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से एक कप का मेजरमेंट ले लेना है। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने पानी मेजर कर लिया, फिर भी देख सकते हैं हमारे फर्टिलाइजर का कलर जो है वो कितना ही प्यारा लग रहा है। कुछ इस तरह से ये बन के तैयार होगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जब मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे, तो 2 से 3 कप तक इसमें डाल देंगे दोस्तों। उससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है दोस्तों, इतना नहीं डालना है कि ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम से नीचे से बाहर आ जाए। हमें इतना ही डालना है दोस्तों, जैसे कि वो हमारे पौधे की रूट्स तक पहुंच सके और इसमें अच्छा काम करे। तो हमें 3 कप करके सारे ही पौधों में अपने डाल देना है। इस तरह से मैं अपने सारे पौधे में डाल दूंगी दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने सारे पौधों में डाल लेना। एक बार आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, फिर आप अपने पौधे में ग्रोथ जो है वो देख पाओगे, कितने ही अच्छे से आपका पौधा का जो है वो ग्रोथ होने लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों आप, मेरे पौधे को एक ही पौधे में कितनी सारी कलियां बनी है, एक यहाँ पे बनी है, देख सकते हैं कि यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनी है। तो दोस्तों इस 1 कप लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके जो है दोस्तों, आप अपने पौधे में बहुत ही सारी अच्छी ग्रोथ पा सकते हो, एकदम न्यू ब्रांचेस पा सकते हो और बड़ी बड़ी कलियां भी पा सकते हो। दोस्तों इस शक्तिशाली फर्टिलाइजर की बनाने की विधि अगर आपको अच्छी लगी और मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।